हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपको करा रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th नंबर क्वांटिफिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब इसमें नंबर में मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय द मॉड्यूलो अर्थमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब इसमें मैं लेता हूँ आपको कि प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो दैट इज द इक्वलेंस रिलेशन। अब मैंने लिया है कि इफ ए इज अ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड सी, सो इट इज द कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एंड प्रूव इट, इट इज द इक्वलेंस रिलेशन। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि फॉर द इक्वलेंस रिलेशन दिस रिलेशन शुड बी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इट शुड बी सिमेट्रिक एंड थर्ड इट शुड बी ट्रांजिटिव। तो आपको ये प्रूव करना है कि मीन्स आपका ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक। इफ दिस रिलेशन दैट इज द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव देन यू विल से इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी आपने रिफ्लेक्सिव है, ए का बी के साथ रिलेशन है या पी का क्यू के साथ रिलेशन है, तो मैंने कोई भी रिलेशन या एग्जाम्पल में लिया है कि पी कॉमा क्यू इट इज द रिलेशन। तो अब आपका फर्स्ट ये कोई भी रिलेशन याद लिखा होगा क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। तो मैंने अभी पी और क्यू एग्जाम्पल में टू आपके नंबर्स हैं, तो आपका रिफ्लेक्सिव के लिए आपका फर्स्ट पी एंड पी इट शुड बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आपका रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब आप P की जगह पर और Q की जगह पर भी P पुट कर दोगे दोनों जगह तो आपका रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए जो आपको गिवेन है। सिमेट्रिक में आपका है कि इफ P एंड Q इट बिलोंग्स टू R, ये आपका बिलोंग करता है, देन देन मीन्स ये आपका है तभी आपने देखना है Q एंड P इट शुड बिलोंग्स टू R, ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव में है कि आपका P और Q का जो रिलेशन है वो आपका ये रिलेशन को बिलोंग करता है, और Q और आपने नया लिया हुआ है R, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है, देन फॉर अ ट्रांजिटिव इफ पी एंड क्यू दिस बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एंड आर बिलोंग्स टू आर देन पी एंड आर इट शुड बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब इसका इसको आपने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराना है देन वी विल से इट विल बी इक्वलेंस रिलेशन। तो अभी मैंने बताया कि इफ दे आर टू कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ये आपका कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है, मीन्स दिस डिफरेंस ए माइनस बी is lambda times of c, or you can write in a statement a minus b is a divisible by c, ये आपका c से divisible है, ये आपका relation आ गया है। अब मैंने ये relation क्या बना लिया कि this r a to b a comma b such that a minus b is a divisible by c, ये मेरा relation है। अब देखो मैंने यहां पर जो P और Q लिया है वहां पर मेरा क्या है A और B, तो अब यहां का फर्स्ट मैंने लिखा था P और P का रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहां देखो मैं P मेरा A है, तो इट मींस फॉर रिफ्लेक्सिव A A इट शुड बिलोंग्स टू R, मैंने लिया है लेट दिस बिलोंग्स टू R, इट मींस आपका रिलेशन कहता है कि पहले में से आपने दूसरा माइनस किया है तो A माइनस A दैट विल बी जीरो। अब देखो जीरो तो आपका हर नंबर से डिविजिबल है, सो देयर फोर इट इज ट्रू, मीन्स इट इज द डिविजिबल वाई सी, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड, अब मैंने लिया है कि इफ पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करता है, इट मीन्स आपको पता है कि ए एंड बी दिस बिलोंग्स टू आर, ये मैंने सिमेट्री के लिए कर रहा हूं यहां पर, तो आपका जो डिफरेंस है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे
ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, कोई ना कोई आपका सी का मल्टीपल होगा, बिकॉज आपने बोला है कि ये सी से डिविजिबल है तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा, सी का 2 times, 3 times, 4 times, -2 times कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका सी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अब मुझे क्या करना है इसमें से कि मुझे इस बी को पहले लाना है, मतलब बी माइनस ए देखना है। तो देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस मैंने कॉमन निकाला तो दैट विल बी बी माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, और माइनस को इधर कर दो तो बी माइनस सी दैट विल इक्वल टू माइनस लैम्डा सी। इट मीन्स आपका ये भी आपका डिविजिबल है, उसने ये तो बोला नहीं है कि आपका जो है कोशियंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इट मीन्स आपका बी ए therefore BA it belongs to R, ये आपका R को belong कर रहा means relation को, therefore this R is a symmetric relation। अब आपका इसमें transitive, तो transitive के लिए आपने first मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको, ये symmetric आपका reflexive symmetric। अब A and B this belongs to R, ये मेरा belong करता है, it means you can write A minus B that will be equal to lambda times of C, C का कोई ना कोई आपका वो multiple होगा। और दूसरा है, अब मैंने B लेना है और इसके साथ नेक्स्ट नंबर, तो दैट विल बी मैं M लेता हूं क्योंकि C मैंने वहां ले रखा है, देन दिस बिलोंग्स टू R, इट मींस B माइनस M दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब लैम्डा की जगह मैं कोई दूसरा मल्टीपल लेता हूं, मींस जरूरी नहीं है कि वो आपका पहले यहां 2 times था तो ये भी 2 times होगा, मींस दैट विल बी मल्टीपल ऑफ C, मैंने ले लिया आपको दैट विल KC। अब इन दोनों की हेल्प से मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर दिया, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड देन यू विल गेट ए माइनस एम दैट विल बी इक्वल टू सी कॉमन लैम्डा प्लस के। अब देखो लैम्डा और के कोई ना कोई मल्टीपल है, हो सकता है यहाँ मेरा 2 times हो यहाँ 3 times हो, जिसका मतलब सी का क्या हो गया ये 5 times, तो मीन्स ए माइनस एम वही आपका रिलेशन है, मीन्स ए एंड एम दैट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये A और M भी बिलोंग करेंगे, तो वही आपका ट्रांजिटिव है कि P और Q बिलोंग करता है, Q और R करता है तो P R भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो आपने ये लाके दे दिया। इट मीन्स दिस रिलेशन और दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो दैट इज द इक्वलेंस रिलेशन, मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज अ ट्रांजिटिव। सो एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव देन दैट विल बी equivalence relation। Thank you students, thank you for watching।